एलविश यादव ने लोकेश कटारिया और अनिल कपूर की क्लास पर दोस्तों किया क्या रिएक्शन। दोस्तों आपको पता होगा कि अनिल कपूर ने दोस्तों लोकेश कटारिया को खड़ा होकर कहा था कि एलविश आर्मी मुझे सपोर्ट न करे, साथ ही दोस्तों मेरे कंटेंट के आधार पर मुझे सपोर्ट करे। जी हाँ दोस्तों, उस पर एलविश यादव का क्या कहना है देख लीजिए इस वीडियो में। हमारे अनिल कपूर जी ने कटारिया को खड़ा करके बुलवाया कि आप बोलोगे आपको तभी लोग सपोर्ट करें, एलविश आर्मी तभी सपोर्ट करें आपके जो आप दिखाओगे आपके कंटेंट पे। देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, सब लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी इस बात को कि अब मान लो हम लोग साथ में काम करते हैं, मैं लक्ष्य अर्चित कटारिया हम लोग साथ में रहते हैं तो पब्लिक जैसे हमें पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप लोग व्यूवर्स हो, जितने भी जो लोग हमें पसंद करते हैं उनको हम सारे पसंद हैं। और जैसे मान लो लक्ष्य किसी शो में गया या फिर मैं बिग बॉस के अंदर था, पीछे से इन लोगों ने खूब जोर लगाया, एलविश आर्मी ने पूरा जोर लगाया तो मैं जीत गया। अब हमारे बीच में से चाहे लक्ष्य जाता, चाहे अर्चित जाता, कटारे चला गया, ये इनमें से भी कोई जाता तो भी सपोर्ट करते क्योंकि ये तो जायज सी बात है भाई, हम तो फैमिली है ना। मतलब हमारा किसने बांटा समझ रहे हो कि इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो मतलब मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आता कि फोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर तो बहुत सारी चीजें उनकी सेम होंगी और काफी सपोर्ट जो मिल रहा है कटारिया को उसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा। एक तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई, एलविश आर्मी लट काट रखे मां के, हमें इंटरनेट कैप्चर कर लगा। एलविश आर्मी ने लास्ट टाइम बोलता है एलविश आर्मी जहां खड़ी हो गई भाई सामने कोई हो सिस्टम एक तरफा हो जाता है भाई। कल मैं देख रहा जैसे ही वो एपिसोड स्टार्ट हुआ उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंडिंग वन और भी कई चीज मैं देख रहा था भाई कि कमेंट भर दिए बावजूद वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप था उसके बाद वर्ल्ड कप अलग चल रहा है, वर्ल्ड कप का अलग मजा है पर बिग बॉस के इधर जो ये चल रही है एलविश आर्मी की बदमाशी इसका अलग मजा। मैं दोनों चीजों में एंजॉय कर रहा, मैंने कहा अरे क्या हो रहा। फिर ट्रेंड देखा मैंने ट्विटर पे की एलविश आर्मी सपोर्ट्स लवकेश, तो देखो हम तो ये बोल सकते हैं। देखो मैं ये तो हो गया अपने भाईचारे वाली बात, अब मैं एक न्यूट्रल पीओवी से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई सपोर्ट करो। जैसे मुझे नहीं लगता कि कटारे खराब खेल रहा है, देखो जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब खेल रहे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर ही मिलेगा कहीं ना कहीं, बेस्ट मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है घर में और तो डेड पड़े भाई। एक चीज बताओ ना, अब हम चार लोग हैं कोई भी बात नहीं कर रहा, वो अकेला बंदा एंटरटेन कर रहा है, हर किसी से बात कर रहा है, हर किसी से पर्सनल रिलेशन भी अच्छे है, ना किसी को फालतू बोल रहा और बिग बॉस भी जो बोल रहा है उसकी बात भी मान रहा है, सारे काम कर रहा है, तो आपको और क्या चाहिए देखा एज अ व्यूअर, आपको और क्या चाहिए। और देखा होगा कि भाई पहले से रिस्पेक्टफुल भी हो गया वो, मतलब मैंने एक चीज उसके अंदर नोटिस करी कि ही इज मोर रिस्पेक्टफुल नाउ टुवर्ड्स। ट्विटर पे जो ट्रेंड्स आ रहे थे ना उसके हिसाब से ये था कि कटारिया के वोट्स एक तरफ और सबके कंबाइन वोट्स एक तरफ, ऐसा था एक तरफा कर रखा है मतलब। जैसा कि दोस्तों वीडियो में आपने देखा है कि लोकेश कटारिया के वोट एक तरफ और बाकी सभी के मिलाकर एक तरफ चल रहा था वोटिंग का दोस्तों ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो पर क्या कहना है और दोस्तों किसे करे इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 में कमेंट करके जरूर दबाए।